क्या आप सोच सकते हैं कि किसी की जान की कीमत 300 शब्दों का ऐसे हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पुणे के पोर्स एक्सीडेंट केस की, जिसमें दो लोगों की जान चली गई और आरोपी को महज 15 घंटे में ही बेल दे दी गई। आइए अब एक नजर डालते हैं पोर्स एक्सीडेंट केस पर कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ब्रह्म रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ऑनर विशाल अग्रवाल के बेटे वेदांत अग्रवाल, जो 17 साल 8 महीने के हैं। वेदांत अग्रवाल 12th के रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए पुणे के कल्याणी नगर में पार्टी करने जाते हैं और वहां अल्कोहल भी लेते हैं। ड्रिंक करने के बाद वेदांत ड्राइवर से की लेकर खुद ड्राइव करने लगते हैं और ड्राइवर को बाजू में बैठने बोल देते हैं। वेदांत एक रेसर के जैसे पुणे की छोटी छोटी सड़कों में भी 200 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाते हैं और थोड़ी ही देर में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अनिश अवधिया और अश्विनी कोष्टा, जो मोटरसाइकिल से एक पार्टी से लौट रहे थे, इनको टक्कर मार देते हैं। टक्कर इतनी भयानक थी कि जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो जाती है और दूसरे की हॉस्पिटल ले जाते वक्त मृत्यु हो जाती है। ये दोनों ही मध्य प्रदेश के निवासी हैं। वह जमा भीड़ जस्टिस के लिए वेदांत को पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ वेदांत को मात्र 15 घंटे में ही बेल दे दी जाती है। जिसमें पहली कंडीशन ये थी कि वेदांत को एक्सीडेंट पर 300 शब्दों का एक ऐसे लिखने दिया जाता है कि आखिर एक्सीडेंट को कैसे रोका जा सकता है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये रखी गई कि 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ वेदांत को काम करना होगा। तीसरी कंडीशन में ये कहा गया कि वेदांत की ड्रिंकिंग हैबिट्स को खत्म करने के लिए इनका ट्रीटमेंट करना होगा। सुपर लग्जरी कार चलाने और अल्कोहल लेने के लिए वेदांत माइनर नहीं है, लेकिन दो लोगों की जान लेने के बाद वो मात्र 17 साल 8 महीने के हैं, जबकि महाराष्ट्र में 25 ईयर की एज तक ड्रिंक करना बेन है। केस को कमजोर करने के लिए वेदांत की ब्लड रिपोर्ट 10 से 11 घंटे बाद ली गई, जिससे वेदांत की ब्लड रिपोर्ट निगेटिव आई। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में वेदांत की खातिरदारी भी काफी अच्छी तरीके से की जाती है। वहां उसे पिज्जा ऑर्डर करके खिलाया जाता है। खाना खिलाकर ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल को डिसॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इस केस में आरोपी वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने छत्रपति संभाजी नगर से अरेस्ट कर लिया है और नाबालिग वेदांत को बार और पब में एंट्री देने को लेकर प्रहलाद भुटाडा, मैनेजर सचिन काटकर, होटल ब्लैक के ऑनर संदीप सांगले और बार मैनेजर जैस बोनकर के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और धारा 77 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वेदांत अग्रवाल की बेल कैंसिल करके उसे 5 जून तक रिमांड होम में भेज दिया है। कमेंट करके बताइए कि आरोपी वेदांत को एक माइनर की तरह ट्रीट करना चाहिए या फिर एक एडल्ट की तरह। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।